नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और बात करेंगे मनरेगा के नाम पर फल फूल रहे हैं भ्रष्टाचारी। सीतापुर से इसी बीच खबर आ रही है, सीतापुर से आपको ये खबर बता देते हैं, जहां पर मनरेगा घोटाले पर बड़ा एक्शन सामने आया है और एक बड़ा घोटाला सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीतापुर से। करीब 1 करोड़ के मनरेगा घोटाले पर डीएम की कार्रवाई निकलकर सामने आई है और डीएम की संस्तुति पर FIR भी दर्ज की गई है। तो जांच में सामने आया है 84,45,000 का घोटाला। इसके साथ ही प्रधानों और विकास खंड के जिम्मेदारों पर लूट का आरोप है। बिना काम किए 16 मार्च को निकाली गई थी बड़ी धनराशि, एक बड़ा अमाउंट निकाला गया और जांच में पाया गया कि ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव इस पर दोषी पाए गए हैं। एक बड़ा घोटाला निकलकर सामने आया। आरोपी पाए गए 4 ग्राम प्रधान, 3 सचिव, साथ ही TA सहित कुल 12 लोगों पर FIR भी हुई है। बेटी सिवरे खेड़ा पचदेवरा और मदारीपुर में काम की आड़ में लूट देखी गई है। ग्राम पंचायतों में बिना काम के करीब 1 करोड़ का भुगतान निकल कर सामने आया है, क्योंकि देखा गया कि बिना काम किए 1 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया 12 लोगों पर 409, 420, 467 और 468 के साथ ही 471 के तहत FIR दर्ज की गई है। तो मनरेगा घोटाले में देखा जा रहा है कि ODF के तहत भी एक बड़ा घोटाला निकलकर सामने आया। मनरेगा के तहत इतना बड़ा घोटाला निकलकर सामने आया है, जिसकी जद में ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव, TA के साथ 12 लोग इसकी जद में हैं और 12 लोगों पर FIR की गई है। जिलाधिकारी की तरफ से बड़ा एक्शन निकलकर सामने आया है। मनरेगा घोटाले पर एक बड़ा एक्शन देखा जा रहा है। और इसी के साथ ही साथ इतने बड़े घोटाले में हमारे रिपोर्टर ने खुद जाकर के बातचीत की और देखा है कि क्या कुछ निकल कर आया है सामने और कैसे कार्रवाई की गई है। क्या कहते हैं रिपोर्टर, आप देख लीजिए खुद। सीतापुर के महमूदाबाद विकास खंड से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 4 ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी और रोजगार सेवक समेत TA ने मिलकर कागजों पर मनरेगा का काम दिखाकर करीब 84 लाख रुपए से अधिक का धन निकाल लिया था। बीते 16 मार्च को आचार संहिता लगने से एक दो दिन पूर्व ही यह धन मनरेगा योजना के तहत विकास खंड कार्यालय से निकाल लिया गया था, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने इस मामले में शिकायत की थी और जिसकी जांच DM ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाकर बैठा दी थी। DM की जांच में यह ग्राम प्रधान समेत 12 लोग कुल दोषी पाए गए हैं, जिन पर FIR के आदेश कर दिए गए थे। बीती रात इन ग्राम प्रधान समेत सचिवों, रोजगार सेवक और TA पर FIR दर्ज कर दी गई है। अब देखना यह होगा कि इस घोटाले के बाद किस तरह की बड़ी कार्रवाई जिला प्रशासन ऐसे भ्रष्ट लोगों पर करता है। सीतापुर से के न्यूज के लिए दीपक गुप्ता की रिपोर्ट। तो देश के करीब जो गरीब परिवार है उनके लिए मनरेगा जो योजना थी वो शुरू की गई थी, इसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं कि देश के जो गरीब परिवार हैं, गरीबों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कांग्रेस सरकार द्वारा मनरेगा योजना को शुरू किया गया था, लेकिन इसे राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक राज्य की सरकार द्वारा और वर्तमान की भाजपा सरकार ने भी अपनाए रखा। इस योजना के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार प्रदान किया जाता है, ताकि उन्हें गांव से दूर रोजगार के लिए ना जाना पड़े। देश के सभी राज्यों में संचालित ग्राम पंचायत स्तर पर यह योजना लोगों को बहुत ही सहायता प्रदान करती है। मनरेगा योजना के माध्यम से अब तक देश के करोड़ों नागरिक को लाभ मिल चुका है। मनरेगा योजना को भारत सरकार द्वारा एक योजना जो कि देखा जा रहा है कि एक रोजगार गारंटी योजना के रूप में लागू किया गया। इस योजना को विधानसभा में 7 सितंबर 2005 को पारित किया गया। इसके बाद 200 जिलों में 2 फरवरी 2006 को मनरेगा योजना को शुरू किया गया। मनरेगा योजना को शुरुआत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि नरेगा कहा जाता था, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। आपको यह भी बता देते हैं कि किसानों का जो पलायन है, पलायन को रोकने के उद्देश्य से ही मनरेगा जो योजना थी उसकी शुरुआत की गई थी।
मनरेगा योजना विश्व की एकमात्र ऐसी योजना है जो नागरिकों को 100 दिन के अंदर रोजगार गारंटी देती है और देश के गरीब और बेरोजगार परिवारों को आजीविका के लिए इस योजना का आरंभ किया गया है। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि एक बड़ा घोटाला इसके तहत किया जा रहा है और लगातार ऐसे घोटाले निकलकर सामने आते रहे हैं। हमारे साथ दीपक गुप्ता संवाददाता सीतापुर से और वरिष्ठ पत्रकार आलोक त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले दीपक, आपका रुख करना चाहेंगे कि इतना बड़ा घोटाला निकलकर सामने आया है, कैसे जांच बैठी, कैसे टीम गठित की गई और सबसे पहले क्या निकलकर आया था जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है, पूरी अपडेट के साथ जाना चाहेंगे। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीतापुर के महमूदाबाद विकास खंड का यह पूरा मामला है, जहां पर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक योजनाबद्ध तरीके से एक ब्लॉक के कर्मचारियों ने मनरेगा योजना से लाखों करीब 84 लाख से अधिक रुपए निकाल लिए, जो 1 करोड़ के करीब थे। इसके बाद उन पैसों का बंदर बांट कर लिया। जब इस मामले में एक शिकायतकर्ता ने शिकायत करी, जिसके बाद में कई ग्राम पंचायतों में आनंद फानंद में देर रात काम चालू किया गया, जिस पर शिकायतकर्ता ने डीएम को लिखित पत्र भेजा था। डीएम ने इस पर 3 सदस्यीय एक टीम गठित कर जांच बैठा दी। डीएम ने 4 महीने तक जो जांच हुई उसकी जब रिपोर्ट मांगी, उस रिपोर्ट को जब डीएम के टेबल पर पहुंचाया गया, तो उस रिपोर्ट को पढ़कर डीएम भी चौंके होंगे और उन्होंने उस रिपोर्ट पर तुरंत ही संतुति का आदेश जारी करते हुए इसमें सम्मिलित सभी घोटाले में शामिल लोगों पर कार्रवाई के आदेश दे दिए। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बात यह भी पीछे छूट गई कि ब्लॉक के जो बड़े जिम्मेदार थे उन्हें कहीं ना कहीं इस पूरे मामले से दूर रखा गया, जबकि उनके साथ गार्ड के बिना यह संभव नहीं था। बिल्कुल दीपक, और इसके आगे की जानकारी हम आपसे लेंगे। आलोक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से इतनी बड़ी योजना की शुरुआत की गई थी गरीबों के लिए, खासतौर पर इस योजना की शुरुआत की गई थी, ऐसे में इतना बड़ा घोटाला ऐसा पहली दफा नहीं है, ओडीएफ के तहत भी कई घोटाले निकलकर सामने आते रहे हैं, लेकिन ऐसा कहां पर लापरवाही ऐसी हो जाती है, लोगों को कहां पर ऐसे पॉइंट मिल जाते हैं जिसके तहत उन्हें किसी भी तरह का डर खौफ नहीं रहता कि हम इतना बड़ा घोटाला करते रहेंगे और किसी को कुछ भी पता नहीं चल सकेगा, क्योंकि ये ग्रामीण से जुड़ी हुई बात होती है और वहां पर जल्दी से जांच नहीं बैठ पाती। देखिए वंदना जी, पहली चीज तो यह है कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो यह बड़ी बात है, क्योंकि हम भाजपा हमेशा ये बात कहती रही कि हम जीरो टॉलरेंस पे काम करते हैं। दूसरी बात, ब्लॉकों में इस तरह के घोटाले बहुत हैं, अगर हर जिले का डीएम इस तरह के क्षेत्र में एक बार जांच कराए तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक घोटाला निकल के आएगा जनता के सामने। क्योंकि मनरेगा का जब बनाई गया था तो उसका उद्देश्य था कि ग्रामीण के जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाए, लेकिन जो ब्लॉकों में प्रधान और सचिव और जो और तमाम जिम्मेदार लोग बैठते हैं उन लोगों के साठगांठ से ये बड़ा खेल चलता है, क्योंकि वहां विकास कार्य के नाम पे बड़ा पैसा गांवों में जा रहा है सरकार की तरफ से और उसका कितना यूज हो रहा है, कितना विकास कार्य हो रहा है, इसकी जांच कहीं नहीं होती। क्योंकि जब पैसा आता है तो चूंकि बहुत गांव ऐसे हैं जहां पे बहुत विकास भी नहीं हुआ है और पैसा बहुत आया है, तो वहां जो ब्लॉकों में जो लोग अधिकारी बैठे हुए थे, जो प्रतिनिधि बैठे हुए थे, उन लोग क्योंकि बगैर आपस में मिले हुए बगैर साठगांठ किए ये घोटाला नहीं हो सकता, क्योंकि जब पैसा पास होता है, पैसा निकाला जाता है तो उसकी जांच होती है, तब सभी के साइन होते हैं, तब वो पैसा जारी होता है। तो कई बार इस तरह की चीजें आई है, कई बार तो मैंने ये भी देखा गया है कि जिस मद में पैसा सरकार ने भेजा वो मद का काम ही नहीं हुआ और पैसा रिलीज कर दिया गया, जिस तरह से अभी महमूदाबाद में सामने आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है, इस तरह की जांच हर जिले में सरकार को चाहिए करे, जिससे इस तरह के विकास कार्यों के लिए जो सरकारी धन जनता के लिए जा रहा है क्या वाकई वो जनता के यूज हो रहा है, या बीच में जो लोग हैं, जो बिचौलिए लोग हैं, बंदर बांट करके सरकार के ऊपर एक बदनुमा दाग लगा रहे हैं। क्योंकि सरकार हमेशा ये बात कहती रही है पिछले 7 सालों से, अगर देखिए कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की हम बात करते हैं, लेकिन जितना बड़ा राजधानी लखनऊ से सटा हुआ जिला सीतापुर है, जहां पे करोड़ रुपए के घोटाले की बात सामने निकल के आई है, तो ये सरकार के लिए भी ये चिंता का विषय है और खास अधिकारियों के लिए भी जो जिम्मेदारी के पद पे बैठे हुए हैं कि आखिर इस तरह का बंदर बांट करके लोगों ने करोड़ों रुपए का घोटाला कैसे कर दिया। आलोक जी, एक सवाल ये भी उठता है कि इतना बड़ा अमाउंट कहां खर्चा किया गया, किस किस लोगों में, किन किन लोगों में ये बंदर बांट किया गया, इतना बड़ा अमाउंट जो था कैसे भुगतान किया गया, क्योंकि आमतौर पर अगर इतने बड़े अमाउंट की अगर भुगतान की जाती है तो उसकी जांच होती है, तब कहीं जाकर के उस अमाउंट को पास किया जाता है, तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि इतना बड़ा अमाउंट गया तो गया कहां पर।
जी बिल्कुल बंगला जी, देखिए ये मुझे नहीं लगता कि एक मुश्त ये इतना बड़ा अमाउंट गया होगा, टुकड़े टुकड़े में इसका भुगतान किया गया होगा कि अलग अलग क्षेत्रों के विकास के लिए, सड़क के लिए, नाली के लिए या और भी किसी मद में आया होगा, और वो बिल में बगैर काम का निरीक्षण किए, बगैर कार्य का परीक्षण किए, वो जो वहां लोग बैठे होंगे ब्लॉकों में या और संबंधित ऑफिसों में, उन लोगों ने कुछ कुछ पैसों के लालच में या किसी और दबाव में जैसे भी हो, उन लोगों ने उन बिल को पास कर दिया। उन्होंने ये देखने की भी जहमत नहीं उठाई कि जिस मद का ये पैसा हम पास कर रहे हैं वो काम हुआ भी है कि नहीं हुआ है, क्या उसकी जांच हो सकती है कि नहीं हो सकती है, क्योंकि ये तो एक मामला निकल के आया, किसी ने शिकायत कर दी, कोई जागरूक व्यक्ति रहा होगा या कोई उसी में ठेकेदार रहा होगा जिसका काम नहीं हुआ होगा, उसने शिकायत की तो इस तरह का मामला खुल के आ गया। लेकिन इस तरह कितने मामले होंगे जिनकी भी शिकायतें भी नहीं हुई, लोगों को पता भी नहीं होगा कि कितना पैसा आया, क्योंकि गांव की भोली भाली जनता को पता ही नहीं होता है। शहरों में तो बहुत से लोग जागरूक होते हैं, आरटीआई के माध्यम से भी जानकारी कर लेते हैं गांव में, लेकिन आज भी बहुत सीधे साधे लोग हैं, वहां पता ही नहीं कि गांव के लिए कितना पैसा आया और कितना खर्च हुआ। तो इसके लिए एक जिले लेवल पे डीएम को या सरकार को चाहिए कि आदेश दे कि इस तरह का एक जांच चले कि पिछले एक साल, दो साल, तीन साल में कितने मद में पैसा आया और कितना काम हुआ, उसका निरीक्षण कराया जाए थर्ड पार्टी से कि काम हुआ भी कि नहीं, अगर नहीं हुआ तो उसका भुगतान कैसे हुआ। तो मुझे लगता है इस तरह की पारदर्शिता होगी तो दबाव भी बनेगा और इस तरह के भ्रष्टाचार की दोबारा पुनरावृत्ति नहीं हो पाएगी। बिल्कुल आलोक जी, और देखा भी जाता है कि ज्यादातर घोटाले जो मनरेगा के तहत होते हैं, ओडीएफ के तहत होते हैं, या ग्रामीण विकास के लिए किए जाने वाले जो कार्य होते हैं विकास के हेतु, वहीं पर सबसे ज्यादा घोटाले निकलकर सामने आते हैं, अगर आंकड़ों की अगर बात कर ली जाए। लेकिन दीपक आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से खुलासा हुआ है, खुलासा कैसे हुआ, किसने शिकायत की थी, ये सबसे बड़ी बात है, क्या कारण रहा था और कैसे ये जो मामला था आगे बढ़ा और डीएम तक पहुंचा और डीएम ने कार्रवाई की। मैं आपको बताना चाहूंगा कि महमूदाबाद विकास खंड के बेहटी, सिहारू खेड़ा, पसदेवरा चौबे और एक गांव और मदारीपुर के सहित चार ग्राम पंचायतों में आनंद फानंद में देर रात को इंटरलॉकिंग का निर्माण कार्य कराया जा रहा था, जिसके बाद एक जागरूक स्थानीय नागरिक था जिसने नाम अपना न गुप्त रखते हुए एक शिकायती पत्र डीएम को लिखा था। उसने अभी तक अपना नाम कहीं सामने आने नहीं दिया, ना ही डीएम के प्रार्थना पत्र में भी उसने यही लिख कर दिया था कि मेरा नाम किसी भी तरीके से सार्वजनिक न किया जाए, शायद वो उसी ब्लॉक से संबंधित व्यक्ति हो या किसी अन्य तरह से वो सरकारी कर्मचारी भी हो सकता है जिसने वो शिकायत की थी, जिसके बाद डीएम ने उस पर तत्काल प्रभाव से उसी दिन जांच कमेटी गठित कर दी थी, जिसमें 30 सदस्यीय जांच कमेटी थी। उसने महमूदाबाद विकास खंड आकर के इन चारों ग्राम पंचायतों में जाकर निरीक्षण किया, जहां पर किसी भी तरह की इंटरलॉकिंग का निर्माण कार्य नहीं हुआ था, केवल कागजों पर 84.45 लाख रुपए का लगभग की धनराशि निकाल ली गई थी, जिसके बाद डीएम ने उस जांच रिपोर्ट को 4 महीने तक अवलोकन करने के बाद उस पर संतुति जारी की, जो डीसी मनरेगा को भेजी गई। डीसी मनरेगा ने उस पर आदेश टाइप करते हुए सीडीओ सीडीओ के हस्ताक्षर कराकर उसका आदेश बीडीओ को भिजवा दिया। बीडीओ ने उसी आदेश पर कल देर रात एफआईआर दर्ज करवा दी। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ी संदिग्ध भूमिका खंड विकास अधिकारी की भी है कि उनके नाक के नीचे उनके दफ्तर में ही मौजूद कर्मचारी इतने बड़े घोटाले को अंजाम दे देते हैं और वाजी इसकी जानकारी तक नहीं रख पाते हैं। वहीं डीएम साहब इस मामले में उन पर कोई कार्रवाई अभी तक तय नहीं कर पाए हैं। दीपक, क्या आपने खंड विकास अधिकारी से बातचीत की इस मसले को लेकर के? इस मामले में उनको कई बार फोन किया गया बात करने के लिए, लेकिन उनका जवाब यही था कि यह जांच डीएम साहब के स्तर पर हो रही है, वही इसमें रिपोर्ट देंगे। उनका जो दीपक आपसे फिर से रुक करेंगे, आप बात कर रहे हैं मनरेगा के नाम पर फल फूल रहे भ्रष्टाचारी, मनरेगा के तहत किए गए घोटाले की बात कर रहे हैं हमारे साथ दीपक गुप्ता सीतापुर से, आलोक त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इससे पहले हम ग्राफिक से भी आपको बता देना चाहेंगे कि मनरेगा के तहत कौन से कार्य होते हैं जो किए जाते हैं, एक नजर ग्राफिक में भी डाल लेते हैं। तो मनरेगा के तहत क्या काम होता है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा कहा जाता है। टिकाऊ संपत्तियां बनाना, जैसे सड़कों, नहरों, तालाबों और कुओं को बनाया जाना, निर्माण कार्य कराया जाना इसके तहत आता है। आवेदक के निवास के 5 किलोमीटर के भीतर ही रोजगार प्रदान करना मनरेगा का काम होता है। इस योजना के तहत ये काम निर्धारित है। न्यूनतम मजदूरी का भुगतान भी किया जाता है। इसी के साथ ही साथ यदि आवेदन करने के 15 दिनों के अंदर काम नहीं मिलता तो आवेदक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होता है। मनरेगा के तहत कौन से कार्य होते हैं? लघु सिंचाई का कार्य होता है, इसी के साथ ही जल संरक्षण का भी कार्य होता है, भूमि विकास का काम होता है,
और बाढ़ नियंत्रण का काम इसी के अंतर्गत आता है। गौशाला निर्माण कार्य बागवानी के तहत इसमें आता है और ग्रामीण संपर्क मार्ग निर्माण मनरेगा के तहत किए जाने वाले कार्यों में आता है। विभिन्न तरह के आवास निर्माण और सूखे की रोकथाम के लिए अंतर्गत वृक्षारोपण भी किया जाना एक कार्य मनरेगा के तहत आता है। दीपक, आपसे बात कर रहे थे इस विषय की कि जिस तरह से इतना बड़ा घोटाला निकल कर सामने आया है, इसमें 12 लोगों के नाम आ रहे हैं सामने, खासतौर पर ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव। क्या इसके पीछे और भी लोग जुड़े हुए हैं? इसके पीछे कोई लंबी लिस्ट है? और भी बड़े अधिकारियों के नाम आ सकते हैं? जी, जिस दिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि मनरेगा घोटाले की जो यह नींव रखी गई और 16 मार्च को जो अब यह भुगतान किए गए, तो उस दिन तकरीबन 17 इंटरलॉकिंग टीन सेट जैसे निर्माण कार्यों के नाम पर भुगतान हुए थे, जिसमें से मात्र 4 ग्राम पंचायतों के निर्माण कार्यों की जांच हुई, जिसमें कुल 12 ग्राम पंचायतें शामिल थी। 4 ग्राम पंचायतों की जांच में 4 ग्राम पंचायत के ग्राम सचिव, ग्राम प्रधान, रोजगार सेवक और तकनीकी सहायक दोषी पाए गए और उन पर FIR हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं 8 अन्य ग्राम पंचायतें जहां पर और भी जांच होनी थी, वहां की जांच ठंडे बस्ते में या तो चली गई या तो उस जांच को कहीं ना कहीं नया रूप दे दिया गया और उन्हें क्लीन चिट देते हुए इस मामले से बाहर कर दिया गया। लेकिन आपको मैं बता देना चाहूंगा, मैं सिहारू गांव में ही खड़ा हूँ, जहाँ ठीक पीछे मनरेगा योजना के तहत यहीं पर इंटरलॉकिंग का निर्माण कार्य और टीन सेट का निर्माण कार्य के नाम पर पैसे निकाल लिए गए, जो केवल कागजों पर हुआ और स्थानीय स्थल पर किसी भी तरह के कोई भी कार्य नहीं हो सके। इसके बाद जब शिकायतकर्ता ने शिकायत की, तब जिम्मेदार जागे और उन्होंने इस पर कार्रवाई की। बिल्कुल दीपक, क्या आपने ग्रामीणों से बातचीत की कि जो इस विकास की बात वो करते हैं, जो मनरेगा के से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने क्या कहा इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि उनका रोजगार ही छीना गया खास तौर पर और इतने बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया। ग्रामीणों ने धीरे धीरे, इतने बड़े घोटाले के बाद ग्रामीणों को जब यह जानकारी लगी, तब उनका कहना है कि सीधे सीधे पहले भी मनरेगा में घोटाले होते रहे, लेकिन उनकी ना तो कभी जांच हुई ना ही कभी मामले सामने आए। इस बार शिकायतकर्ता की शिकायत पर जिला प्रशासन हरकत में आया है और यह एक्शन लिया गया है, वरना तो फाइलों में ही हमारी शिकायतें दबकर रह जाती हैं। दीपक, एक बात तो जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ग्राम प्रधान और सचिव का नाम आया, खंड विकास अधिकारी का नाम अभी नहीं आया है इस जद में, लेकिन किस तरह की कार्रवाई अभी तक निकल कर सामने आई है? डीएम की ओर से अभी किस तरह की कार्रवाई इनके खिलाफ की गई है? जितने भी आरोपी पाए गए हैं इसमें दोषी बताए जा रहे हैं डीएम की ओर से, जितने, मैं आपको बताना चाहूंगा कि डीएम की तरफ से सीडीओ को एक आदेश जारी हुआ था संतुति करते हुए कि इन सभी दोषियों पर, 12 दोषियों पर FIR के आदेश किए जाएं, जिसके बाद खंड विकास अधिकारी महमूदाबाद ने स्थानीय महमूदाबाद कोतवाली में तहरीर दी, जिस पर धारा 409, 420, 467, 468 और 471 के तहत इन 12 लोगों पर अभियोग दर्ज कर दिया गया और यह गैर जमानती धाराएं हैं जिसमें इन सभी आरोपियों की गिरफ्तारियां भी की जाएंगी। देखा जाएगा, ये भविष्य की बात है कि किस तरह से कार्रवाई की जाती है, क्योंकि एक लंबी लिस्ट है घोटालों की, चाहे वो किसी भी योजना की बात कर ले, खासतौर पर अगर ग्रामीण योजना से जुड़ी हुई कोई भी विकास की बात अगर की जाती है, तो कितने ही घोटाले निकलकर अब तक सामने आ चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके ढाक के 3 पात ही बनकर रह जाते हैं। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि इस मामले को, इतने बड़े घोटाले को लेकर के आगे की कार्रवाई किस ओर जाती है, कैसे होती है, क्या कुछ निकल कर आता है, ये भविष्य की बात होगी। आलोक त्रिपाठी जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि मनरेगा में ये कोई पहला मसला नहीं है, सीतापुर से जो 1 करोड़ का घोटाला निकलकर आ रहा है सामने, ना जाने कितने ही ग्रामीण क्षेत्रों से ऐसे घोटाले निकलकर सामने आते हैं, लेकिन बात ये हो जाती है कि इसकी आंच जो है सीधा सीधा ग्रामीणों पर जाती है, ग्रामीण ही इसके पूरे कहा जा सकता है, ग्रामीणों को ही भुगतना पड़ जाता है इन सारे ही घोटालों को लेकर के, उनके हक को लेकर के, उनके पेट को लेकर के सब मारामारी देखी जाती है। ऐसा क्यों होता है, कहां लापरवाही बरती जाती है और कहां पर सुधार की जरूरत है, आपके नजरिए से एक समझना चाहेंगे। जी बंदना जी, देखिए सरकार की योजनाएं हैं जिससे जनता को लाभान्वित हो, जनता प्रभावित हो कि उनके द्वारा, सरकार द्वारा उनके लिए काम किया जा रहा है, लेकिन जो बीच के जो लोग बैठे हुए हैं, अधिकारी लोग और जो एक काकस टाइप का होता है, जो भ्रष्टाचार, जिनका काम ही है इस तरह के भ्रष्टाचारों, जो सरकार द्वारा
योजनाओं में जो पैसा दिया जाए उसको किस तरह से वो अपने हिस्से में यूज कर ले। तो ये एक उसी की बानगी है महमूदाबाद की ना। और लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को जो भी जिस मद में पैसा देती है हर जिले में, चूंकि बहुत बड़ा अमाउंट जाता है विकास के नाम पे, उन विकास कार्यों के विकास होता भी है कि नहीं होता है, थर्ड पार्टी से इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। कम से कम इस तरह की जो घटनाएं हैं, जिस तरह का जो पैसे का बंदर बांट, क्योंकि जब पैसा आता है तो उस पर कई लोगों की निगाहें लग जाती हैं। अब प्रधान से लेकर के आप देखिए जो वहां पर सीडीओ होंगे या जो भी नीचे के अधिकारी होंगे, क्या ऐसा नहीं कि बहुत नीचे लेवल पे हुआ होगा? क्योंकि जब बिल या वाउचर पास होता है तो वो पूरी फाइल बन के ऊपर तक जाती है, ऊपर से जब सेक्शन हो जाता है तब नीचे उसका अमाउंट दिया जाता है, क्योंकि सरकारी पैसा इतनी आसानी से नीचे नहीं निकल सकता। तो जाहिर सी बात है, क्या हम इसमें कुछ लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं या हम पूरी तरह से निष्पक्षता की बात नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि जब सरकार ने पैसा दिया उसकी जांच क्यों नहीं हुई? बगैर जांच के उसका भुगतान कैसे कर दिया गया? आखिर जांच की जिम्मेदारी किसकी थी? ये सब चीजों की जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी तब तक इस तरह के भ्रष्टाचार पे अंकुश लग पाना बड़ा मुश्किल होगा। तो हमको चाहिए कि जब कोई भी विकास कार्य की बात आती है तो उसमें जनता को भी जागरूक करने, जनता को जिस गाँव के पे सड़क बनाने की बात होती है उस के लोगों को भी बताना चाहिए कि आपके यहाँ इतना पैसा आया है, इतनी सड़क बननी है, जिससे उनको मालूम हो सके। अगर कुछ नहीं होता है तो वो उसकी शिकायत कर सके, लेकिन ऐसा होता नहीं। गांव के लोगों को मालूम ही नहीं होता है और प्रधान और सचिव और ब्लॉक प्रमुख ये सब मिलकर के, सीडीओ मिलकर के, एसडीओ मिलकर के पूरा बंदर बांट कर लेते हैं और जनता को पता ही नहीं चलता कि उनके विकास के लिए कितना पैसा आया और कितना खर्च हुआ। तो इस तरह के भ्रष्टाचार की हर जिले में जांच हो तो मुझे लगता है बहुत बड़ा घोटाला निकल के आएगा, क्योंकि ये मनरेगा के नाम पे बहुत पैसा सरकार गांवों के विकास के लिए, गांव में रोजगार के लिए दे रही है, इसका उसका पूरा सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। तो अगर जांच होती है हर जिले में कितना विकास हुआ, उसमें कितना पैसा दिया गया, वाकई जिस मद में पैसा दिया गया वो विकास हुआ या नहीं हुआ, इस तरह की जांच हो जाएगी तो जो भ्रष्टाचारी है उनमें डर भी सताएगा और विकास कार्य जो होना है वो पूरा होगा। बिल्कुल, ये बड़ी बात हो जाती है कि अगर सरकार इतना बजट, इतना बड़ा बड़ा जो बजट है वो पास कर रही है मनरेगा को लेकर के। अभी 2024 का जब बजट पास हुआ था मनरेगा के तहत कई करोड़ दिए गए थे, लेकिन इसकी भी जांच की जानी चाहिए कि इतना पैसा हम दे रहे हैं तो ये पैसा जा कहाँ रहा है, विकास कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। गाँव में जांच बिठानी चाहिए कि कहाँ पर कौन सा विकास हुआ, जिस लिए बजट जारी किया गया था उस बजट के तहत क्या काम हुआ है या नहीं हुआ है, ये सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। हालांकि जो जो अधिकारी होते हैं, खंड विकास अधिकारी हो या ग्राम प्रधान हो, ग्राम सचिव हो, ये कहा जा सकता है जिस तरह से निकलकर ये सीतापुर से खबर आई, ना जाने कितनी ही जगहों से ऐसी खबर निकलकर सामने आती है, तो ऐसे में इन लोगों को एक बल मिलता है जब निरीक्षण नहीं होता, जांच नहीं बढ़ते तो बल मिलता है घोटाले करने का, ये बड़ी बात हो जाती है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और बात कर रहे हैं घोटाले को लेकर के, मनरेगा के नाम पर जो भ्रष्टाचारी है फल फूल रहे हैं, इन पर कब कार्रवाई होगी ये बड़ी बात है। हालांकि जिलाधिकारी की ओर से देखा जा रहा है कि FIR तो दर्ज कर ली गई है, लेकिन इनके बाद भी कितने बड़े और रसूखदार जो लोग हैं वो जुड़े हैं या और भी बड़े बड़े अधिकारी जो हैं इसमें जुड़े हुए हैं, ये देखने वाली बात होगी कि अब जिलाधिकारी की कार्रवाई किस ओर जाती है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।